हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? बहुत बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमें अंडर ग्रेजुएट, दैट मींस हमें बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, हमें ये सारे कोर्सेज करने तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं करने, हमें डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन या जिसको करेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट भी कहते हैं उसके थ्रू करने, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे कि एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमएससी करना है लेकिन सर हम रेगुलर नहीं जाना चाहते या फिर रेगुलर नहीं जा पा रहे क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कोई ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस बता दीजिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो और जो ये सारी डिग्रियां आपको ऑफर भी करते हो। तो हाजिर हूं मैं आज आपके सामने लेके एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को ऑफर करते हैं, प्लस 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 मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये सिर्फ डिग्रीज ही नहीं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से वो टॉप मोस्ट इंडिया के 10 डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कॉलेजेस है वो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इग्नू सिर्फ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ही नहीं, सर्टिफिकेट कोर्सेज वेरियस जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज की 3 मंथ, 6 मंथ या फिर डिप्लोमा कोर्सेज की 6 मंथ से लेकर 2 साल तक होती है, और आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जानते हैं 3 साल की डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 2 साल का आपका पीजी का प्रोग्राम होता है। तो आप कोई सी भी डिग्री अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इग्नू के थ्रू कर सकते हैं। इसके पूरे इंडिया में सेंटर्स वगैरह हैं, आप ऑनलाइन ही सारी इसकी फॉर्मेलिटीज एप्लीकेशन मिल जाती है, एग्जाम के लिए सेंटर अलॉट करते हैं, आपके शहर में ही सेंटर होता है, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है, राइट। आप ज्यादा जानकारी के लिए इन सारी जो यूनिवर्सिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वो विजिट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, राइट। सेकेंड नंबर पर है सिम्बोसिस, सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग पुणे में है ये, राइट। सिम्बोसिस बहुत फेमस है अगेन अपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, सेम इग्नू की तरह ही ये भी बहुत फेमस एक डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है जो कि वेरियस प्रोग्राम ऑफर करती है, राइट। थर्ड नंबर पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि गंगटोक में है, जो कि अगेन बहुत फेमस है। अब आपके ऊपर है टॉप 10 है, ये मतलब नहीं है कि शुरू के 3 ही फेमस है, इसके बाद वाले भी उतनी ही फेमस है जितने ही शुरू की 3 फेमस है, और ये नहीं है कि भैया गंगटोक में है, पुणे में है या दिल्ली में है तो आप अगर पुणे के हैं तो ही पुणे वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। इंडिया का कोई भी बच्चा इन यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट कर सकता है, प्लस आप वहां से डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। एग्जाम देने इनके सेंटर पे भी नहीं जाना पड़ता, जैसे मैंने बताया ये आपके शहर में ही सेंटर अलॉट कर देते हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, पूरा क्लियर। आगे है IMT डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट जो कि गाजियाबाद में है, अगेन बहुत फेमस है ये। डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में, अगेन ये भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कराती है वेरियस स्टूडेंट्स को, पूरा क्लियर। देखिए नॉर्मल सी बात है, बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, भाई नॉर्मल सी बात है, जहां पर आपको 1 लाख रुपए लग रहे हैं रेगुलर में वहां पर 20,000 या 30,000 या 40,000 में ही आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, प्लस इसके साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन को इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जॉब करना चाहते हैं एजुकेशन के साथ साथ, और वो रेगुलर डिग्री में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वो एजुकेशन भी ले सकते हैं डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू, प्लस जॉब भी कर सकते हैं। आई होप आई मेकिंग सेंस, हो रहा है बच्चों, क्लियर। चलिए जो बच्चे भी डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन से कॉलेजेस से आप डिस्टेंस एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, या फिर इनके अलावा भी कोई अच्छे कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज 1-2 कॉलेजेस के नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए आगे देखते हैं MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, अगेन बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है। आगे है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि मुंबई में ही है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। लास्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली SOL जो कि न्यू दिल्ली में, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बहुत फेमस है, ये भी वेरियस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर वैल्यू जो है
डिस्टेंस एजुकेशन की आज के ज़माने में या आज के टाइम पे है या नहीं? जी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो रेगुलर के कंपैरिजन में तो कम ही रहेगी, लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस से जो कि बहुत फेमस हैं उनसे डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम भी नहीं होती है, राइट। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उन बच्चों के पास है या उन बच्चों के लिए है डिस्टेंस एजुकेशन जो कि जॉब कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और एडेड नॉलेज एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जॉब के थ्रू, तो उनके लिए हाईली प्रेफरेबल है या रिकमेंडेबल है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन अपनी कंप्लीट रख सकते हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। आप MBA कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, उनसे होगा क्या, आपकी जॉब जो भी आप कर रहे हैं उसमें एडेड एडवांटेज मिलेगा आपको, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्लस आपका रिकॉग्निशन जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है क्योंकि इंडिया में डिग्री की वैल्यू है। जी हाँ, 3-4 डिग्री आपके पास है तो आपको नॉलेज है या नहीं है वो अलग बात, लेकिन डिग्री है तब भी आपको एक प्रेस्टीज वाला, एक इंपॉर्टेंस वाला दर्जा मिलता है सोसाइटी में भी और जॉब्स वगैरह में भी, राइट। तो ये थे टॉप 10 डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन यूनिवर्सिटीज इंडिया की, जो कि बहुत पॉपुलर है अपने डिस्टेंस प्रोग्राम के लिए। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यू दिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं सजेशन देना कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए ही है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन या इंप्रूवमेंट चाहते हैं तब भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया साइट्स में, प्लेटफॉर्म्स में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ सुनील अधिकारी नाम से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।